तान वांग खड़ी कत्ती मार्च की रैली नूं लैके कीती गई चर्चा। केजरीवाल की गिरफ्तारी खिलाफ आम आदमी पार्टी वालों वड्डे शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। 31 मार्च नूं दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी महारैली। INDA अलायंस के वड्डे आगू होणगे शामिल। केजरीवाल की गिरफ्तारी नूं लैके दिल्ली दी सड़कां ते संग्राम। पूरी दिल्ली के आम आदमी पार्टी वालों प्रदर्शन का BJP भी सड़कां ते उतरी। केजरीवाल के अस्तीफे की कीती मंग। गठजोड़ नूं लैके मनप्रीत याली दी अकाली दल नूं सलाह। कहा पंथक मसलियां ते विचार करके ही किया जाए BJP दे नाल गठजोड़। बंदी सिंघां दी रिहाई अमृतपाल ते किसानी नूं दस्सिया अहम मुद्दा। खालसे की धरती श्री अनंदपुर साहिब होले महल्ले का आगाज। वड्डी गिणती विच पहुंच रही संगत। गुरु घर हो रहे नतमस्तक। परसों निहंग सजाणगे महल्ला। सियासतदाना दे चढ़िया होली का रंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह विच फौज के जवानों नाल खेडी होली। राजस्थान ते उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी होली का मनाया रंग। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान लैके हाजिर हाँ सत वाली खबर। जिक्र करते हैं संगरूर दे शराब कांड का, जिसको लेके सियासत पखी हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीड़ित परिवारों के नाल मुलाकात की। इस कांड के दोषियों नूं सख्त सजा देने का भरोसा दिता। तो उधर सुनील जाखड़ ने भी प्रभावित इलाके का दौरा किया। सरकार नूं सवालों के कटहरे में खड़ा कर संगरूर विच जहरीली शराब ने कहर बरपाया। कई परिवार उजड़ गए ते हुण इस मुद्दे ते पंजाब सरकार एक्शन दे विच आई। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद संगरूर दे पिंड गुजरां पहुंचे। शराब कांड दे पीड़ित परिवारां दे नाल मुलाकात करके दुख मंडाया। सरकार दे वल्लों हर संभव मदद देण दा भरोसा दिता ते इन्हां मौतां नूं कतल दस के मुलजमां नूं सख्त सजा देण दी गल आखी। पुलिस ने अरेस्ट कीते ने जिन्हां ने जहर बेची है। 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਤਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, पीड़ित परिवार दे नाल मुलाकात करने तों बाद CM मान ने ट्वीट भी किया ते लिखिया, पिछले दिन संगरूर जिले विखे जहरीली शराब पीन करके कई मौतां होईयां सी। अज मौके ते जाके पीड़ित परिवारां दे नाल मुलाकात कीती ते हर समय इन्हां परिवारां दी मदद दा भरोसा दित्ता। मासूम लोकां दे इन्हां कातलां नूं बख्शा नहीं जावेगा। इह मौतां नहीं कतल ने, कानून दे मुताबिक सख्त सजा दित्ती जावेगी। उधर इस मामले ते सियासी माहौल गर्मा गया है। पंजाब BJP दे प्रधान सुनील जाखड़ भी पिंड गुजरां पहुंचे। पीड़ित परिवारां दे नाल दुख सांझा कीता ते सूबा सरकार ते सवाल खड़े करदिआं इन्हां परिवारां नूं आर्थिक मदद देण दे लई नीति बनाउण दी मांग कीती। पहली जिम्मेवारी पंजाब दी लॉ एंड ऑर्डर दी थोड़े मोढ़िआं ते है। आ चाहे नकली दारू बेची जा रही है, चाहे चिट्टा बेचा जा रहा है, इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। पंजाब दी अमन शांति कानून व्यवस्था दी जिम्मेवारी तो होनी है मनोरोड़ा जी दी। नहीं ये नहीं है फिर छड़ो जाके एवे झूठे उसे हंजू भाई जाते दिल्ली तुसी भी गिरफ्तारियां दे लो, अंदर बैठो, सरकार तो चलती रहूगी। खैर इस मामले ते जिथे हुण परिवारां दे नाल दुख सांझे हो रहे ने तां उत्थे ही हुण एक्साइज विभाग एक्शन विच भी आ गया ते परिवारक मैंबर मुलजमां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई दी मांग कर रहे ने तां जो मुड़ तों कोई परिवार ना उजड़े। संगरूर तों चरणजीत कौशल दी रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। संगरूर दे विच जहरीली शराब पीण दे नाल होईयां मौतां तों बाद पुलिस प्रशासन एक्शन दे मोड दे विच है। इस पूरे मामले दे विच 2 होर मुलजमां नूं गिरफ्तार किया गया ते इस दे नाल ही कुछ अधिकारियों ते भी
एक्शन की गाज टिकी है। रिपोर्ट देख संगरूर च जहरीली शराब मामले च एक्शन जारी है। जहरीली शराब बेचन के इल्जाम च पुलिस ने दो होर मुलजमान गिरफ्तार किया है, जिस दे नाल ही पूरे कांड के दो मास्टरमाइंडा समेत 10 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए ने। पुलिस ने जहरीली शराब दियां 17 पेटियां बरामद कीतियां ने, जिन्हां नूं मुख मुलजम ने वख-वख थावां ते बेच दिता सी। तां जांच च सामने आया कि शराब बनाउण दी साजिश जेल दे विच रची गई सी। मास्टरमाइंड हरमनप्रीत ने प्लैनिंग जेल दे विच कीती। संगरूर जेल दे विच नकली शराब का प्लैन बनाया गया ते साथी कैदी गुरलाल गिफ्टी दे नाल रल के इह प्लैनिंग कीती गई। हरमनप्रीत जबरी उग्राही के इल्जाम दे विच जेल च बंद सी ते गुरलाल गिफ्टी चोरी के मामले दे विच जेल च बंद सी। दोहां ने डिजिटल मीडिया तो शराब बनाउण दी जानकारी हासिल कीती। ता मास्टरमाइंड हरमनप्रीत पातला दा रहण वाला है, जिस दी बनाई जहरीली शराब दे कई लोग शिकार हो गए। शराब कांड दी जांच टीम दे मैंबर एक्साइज विभाग दे एडिशनल कमिश्नर नरेश दुबे दा कहना है कि मुलजमां ने मेथोनॉल दे नाल जहरीली शराब बनाई, जो उद्योगिक उत्पादां दे विच वरत्या जाण वाला एक घातक रसायण है। शराब दे अंदर काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच मिथेनॉल सबस्टांस पाई गई सी। मिथेनॉल सर एक जहरीला पदार्थ है, जिहड़ा कि बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज वास्ते हुंदा है। अपना इंडस्ट्री हैगी अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, अपना घरां दे विच उहनू पॉलिश दे विच यूज करते हैं, स्पिरिट करके कह के यूज करते हैं। बट वह इमीजिएट जिहड़ा भी बंदा वह पीएगा वह इमीजिएटली ही इज कमिटिंग सुसाइड बेसिकली। एंड उहदे विच तुसीं देखो जी कि जिथे असीं पाने हैगे कि लोकी पी के पहली होंदी है कि बंदे दी अखां दे उपर असर करता है, एक कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहिंदा है और उहदे बाद अनफॉर्चुनेट वह डैथ हो जाती है। शराब बनाने विच एथानॉल दा इस्तेमाल हुंदा है, पर मुलजमां ने मेथनॉल दी वरतों कीती। दोवां दे विच की फर्क है ये भी जानते हैं। जिहड़ा इथाइल अलकोहल हैगा उस नाल असीं जिहड़ी शराब लोकी बनती है फैक्ट्रियां च बनती है लीगल वे नाल बनती है वह इथाइल अलकोहल तो बनती है और वह फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हुंदी है। जिहड़ी मिथेनॉल अलकोहल है एक तरह की इंडस्ट्रियल अलकोहल है, जिस इज एब्सोल्यूटली फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री ओनली। कंजम्पशन ह्यूमन कंजम्पशन वास्ते ये बिल्कुल वाजिब नहीं है और ना ही मतलब असी इनफैक्ट जी मिथाइल अलकोहल है एक्साइज डिपार्टमेंट कंट्रोल भी नहीं करता। मेथोनॉल का गलती दे नाल भी जेकर कोई सेवन कर ले तो इंसान की जान तक जा सकती है। नाउ इशू इज के ये लोग क्यों उन्हें पी लेंगे ने। सेम कलर है जी, ठीक है, सेम स्मेल है, ओके, एंड इंटॉक्सिकेंट तो हैगी है लेकिन जहरीली है। वेरी सरप्राइजिंगली यस्टरडे वी चेक्ड, दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन। जाने अनजाने ये बंदा पी लेगा ते ओ मतलब इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर हिम। एक्साइज विभाग के अधिकारी के मुताबिक असल दे विच जो शराब एक्साइज विभाग की मंजूरी तो बाद विकती है वो एथेनॉल दे नाल तैयार होंदी है, जबकि मुलजमां ने शराब तैयार करने लई रसायन नूं ही जहर दे विच बदल दिता। उधर शराब कांड च एक्शन की गाज एक्साइज ते पुलिस विभाग के अधिकारियों ते टिकी है। मामले दे विच तीन एक्साइज इंस्पैक्टर सस्पेंड किए गए, सुनाम सर्कल के इंस्पैक्टर प्रकाश सिंह, पात्रा सर्कल के इंस्पैक्टर कश्मीरा सिंह अते दरबार सर्कल के इंस्पैक्टर मोहन सिंह नूं सस्पेंड किया गया। पटियाला दीआं दो पुलिस चौंकियां दे इंचार्ज शुतराणा, चौंकी इंचार्ज दे इंचार्ज यशपाल अते थरुआ चौंकी इंचार्ज गुरमीत सिंह नूं भी सस्पेंड किया गया। मामले की हाई लेवल कमेटी गंभीरता दे नाल जांच कर रही है ते पुलिस ने आम लोगों तो भी शराब तस्करा बारे जानकारी मंगी है। संगरूर तो चरणजीत कौशल दे नाल मोहाली तो मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब। संगरूर दे जहरीली शराब मौतों के मामले तो बाद सूबे भर के पंजाब पुलिस ते एक्साइज विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलदे जलंधर पुलिस ने एक्साइज विभाग के नाल रल के सतलुज दरिया के नेड़े मैथपुर इलाके दे विच रेड की, 4.5 लाख लीटर लाहन बरामद किया। गुरदासपुर दे विच भी एक्साइज विभाग के पुलिस ने सांझी कार्रवाई की, वख-वख पिंडां दे विच रेड की, वड्डी तादाद दे विच लाहन ते गैर कानूनी शराब सने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। उधर समाणा सदर पुलिस के वलों पिंड मरोड़ी विच देसी शराब बना के वेचण वाली एक औरत सने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हों के कोलों 800 लीटर देसी लाहन
बरामद होया। इस तो पहला बीते दिन भी दसूहा के तीन पिंडां दे विच वड्डे पद्धर से तलाशी मुहिम चलाई गई सी। सो चार तस्वीर ने फिलौर, गुरदासपुर, समाणा और हुशियारपुर दी तस्वीर जिथे वख-वख इलाकों में पुलिस और एक्साइज महकमे ने साझे तौर पर कार्रवाई की है, साझे तौर पर एक्शन जिहड़ा हैगा उह लिया। ज्यादातर इन्हों इलाके ने जिथों मुलजम जड़े ने जड़े नजायज शराब बनाते ने इन्हों इलाकों दरिया के नेड़े ने दरिया पार करके दूजे जिले या दूजे खेत्र की हद दाखिल हो जाते हैं ता जो उस जिले की पुलिस उन्होंने ना फट सके। खास करके समाणा के लागे जड़ा मरोड़ी पिंड है, मरोड़ी पिंड की हद क्योंकि हरियाणा लगती है और उत्थे सब तो वड्डी दिक्कत यही पुलिस के लिए आती है कि दरिया पार कर लिया तो वह हरियाणा की हद दाखिल हो गए, फिर कार्रवाई करना औखा। गल सियासत की करते हैं, गल करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हों लैके सीएम भगवंत मान ने अपने सारे विधायकों के नाल मीटिंग की उन्होंने नाल खड़े होने की गल आखी। तो उधर दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के समर्थन तो बीजेपी ने उन्होंने विरोध के प्रदर्शन किया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार ने उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सारे विधायकों ते मंत्रियों दे नाल मीटिंग की। चंडीगढ़ सीएम रिहायश ते हुई इस मीटिंग दे विच मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पार्टी पूरी तरह चट्टान दी तरह केजरीवाल दे नाल खड़ी है, केंद्र सरकार नूं तानाशाही दा जवाब मिलेगा अते देश दी जनता लोक सभा चोणां दे विच अपना जवाब दे देवेगी। उधर आम आदमी पार्टी ने 31 मार्च नूं दिल्ली दे रामलीला मैदान दे विच महारैली सद्दी है जिस विच इंडिया गठजोड़ दे वड्डे आगू शामिल होणगे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी नूं लोकतंत्र ते हमला दस्या अते कहा कि किसी एक पार्टी का नहीं सगों पूरे देश का मुद्दा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है। अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा, हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे, जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर ना तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी ना बोलने की गुंजाइश होगी। केजरीवाल नु लेके सियासत दिल्ली दी सड़कां ते भी देखने नु मिली। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी दिल्ली दे विच बीजेपी के विरुद्ध नारेबाजी की, प्रदर्शन किए और केजरीवाल की रिहाई की मांग करदिया पीएम से निशाने साधे। तो दूजे पासे बीजेपी भी सड़कों से उतरी और केजरीवाल के अस्तीफे की मांग की। पूरे दिल्ली की महिलाओं की तरफ से मेरी ये मांग है कि अरविंद जी को छोड़ा जाए। कोई उन पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, कोई उनके घर से कोई तलाशी में कोई उनके घर से कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि वो गिल्टी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सेंटर में एक मोदी जी बैठे हैं, उनको इस 2024 के इलेक्शन से अपना खतरा है कि यहाँ पे अरविंद जी की वजह से, यहाँ पे अरविंद जी के होते हुए यहाँ पे सीट्स आ जाएंगी उनकी दिल्ली में, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना राह का सबसे बड़ा कांटा जिसको वो मानते हैं अरविंद केजरीवाल, जिससे वो डरते हैं, उठा के उनको जेल में डाल दिया। और आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जहां भ्रष्टाचार की होली जलाई जा रही है। और दिल्ली में अगर कोई भ्रष्टाचार का एक व्यक्ति प्रतीक है तो अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली को मिले, इसके लिए दिल्ली का हर आदमी संकल्पबद्ध। जिक्र खास है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी ने केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार किया सी, अदालत ने उन्होंने 28 मार्च तक ईडी के रिमांड उत्ते भेजा है। दिल्ली तो ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीटी। उधर ईडी की कस्टडी तो अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश आया लिखती नोट के राही। जल मंत्रालय को केजरीवाल ने हुक्म दिए दिल्ली के कुछ इलाकों के पानी ते सीवर दियां समस्यावां जिहड़ियां सीगियां उन्हां दे मुतलक ये हुक्म जारी किए गए। पानी की कमी वाले इलाकों के टैंकर मुहैया करवाओ, मुख सकत्तर समेत होर अधिकारियों नूं उचित आदेश दिओ, लोड़ पैण ते एल जी का भी सहयोग लवो ते मेरे जेल विच होण करके किसी नूं परेशानी ना होवे, अरविंद केजरीवाल ने इस हुक्म दे विच कहा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से
निर्देश भेजे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, झूठे बेईमान मक्कार लोग किस हद तक गिर चुके हैं। पहली बात मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को, ये केवल और केवल सहानुभूति लेने के लिए कर रहे हैं। जब इनके पास कुर्सी थी मुख्यमंत्री की तब तो इन्होंने पानी और सीवरेज की चिंता न की, तब तो लोगों को शराब बांट रहे थे, एक के साथ एक बोतल फ्री में दे रहे थे। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ईडी की गिरफ्त में हैं, वहाँ परिंदा पर नहीं मारता। बताइए अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता चला, जो कह रहे मुझे पता चल गया पानी की सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता चल रहा है। भाई कौन पता बता रहा है आपको, बताइए कौन आपको आके फोन करके बता रहा है, कौन सा नंबर है जिस पे आपको फोन आने शुरू हो गए। और तीसरी बात, ये जो चिट चिट भेजने का काम होता है ना, यहाँ जेलों में से क्रिमिनल ऐसा काम करते हैं, यहाँ जो नकल मारने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी पे दोनों ही बातें ये लगती हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड भी हैं और नकलची भी हैं। और हैरानगी इस बात की है, जो वीडियो डाल डाल के कहा करते थे कि पियोन की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, मैंने तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया जो 2014 में ये दवाई देते थे, आज उस पद के साथ इतना चिपक के बैठ गए हैं, बोलते हैं मुझे तो जेल से ऑर्डर करूंगा।